नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मैदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 8:16 पर नेताजी ने अंतिम सांसें ली। 11 अक्टूबर के दिन उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव सैफई में किया गया। उनका अंतिम संस्कार उस जगह पर किया गया जहां पर वह पहलवानी किया करते थे। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब कई राज भी खुल रहे हैं। आपको बता दें, बीते कल 17 अक्टूबर के दिन उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया। हरिद्वार में चंडी घाट पर गंगा नदी में उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधि विधान से नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया। इस दौरान ना सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बल्कि उनके तीनों ही बच्चे और वहीं उनके भाई प्रतीक यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ साथ परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद सभी अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ परिवार के सदस्यों ने अपने दुख को जाहिर किया है, वहीं अब मुलायम सिंह यादव के ड्राइवर ने अपने दुख को जाहिर किया है। फूट फूट कर वह रोते हुए नजर आए हैं और नेताजी को याद करते हुए उन्होंने तमाम खुलासे भी किए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के ड्राइवर के बारे में, किस तरीके से अपने मालिक को याद करते हुए वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब उनके ड्राइवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेता जी हमें छोड़कर चले गए, अब केवल यादें ही रह गई हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इसी के साथ साथ परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिले। अब इसके अलावा क्या ही बचा है। उन्होंने ये भी बताया कि वे इतने सालों तक गरीबों और युवाओं के मसीहा रहे थे। कभी मैं कह देता था तो वह घर पर आकर बच्चों के साथ खाना भी खा लिया करते थे। कभी ऊंच नीच, छोटा बड़ा पद, किसी में भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इस तरीके से मुलायम सिंह यादव के ड्राइवर ने अपने दिल की बात शेयर की और उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव उनके लिए कितना कुछ किया करते थे। वाकई में गरीबों के लिए नेताजी जिए और गरीबों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया और आज सभी लोग, यूपी की जो आवाम है, सैफई के जो लोग हैं, वह उन्हें पल पल याद कर रहे हैं। आपको बता दें 21 अक्टूबर के दिन शोक सभा है और पूरे ही यूपी में मुलायम सिंह यादव की शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।